प्रॉब्लम है, बार बार बंद हो जाता है, स्क्रीन आती है और बैक लाइट जलती है, 2 मिनट चले गया, 1 मिनट चले गया, कई बार 10 मिनट चले गया, लेकिन बार बार बंद हो जाता है। तो चलिए ओपन करके चेक करते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो आप देख पा रहे होंगे, कर लिया ये ओपन मैंने, और ये आप इसका देख रहे हो मदरबोर्ड है, ये इसकी सप्लाई है, और ये इसका इन्वर्टर कार्ड है। ये 26 इंच का एलसीडी है, और फॉल्ट मैंने बता दिया, इसमें बार बार बंद हो जाता है, और इसमें कि ये साउंड कार्ड अलग से लगा रखा है, आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो रिपेयर करवाया होगा बंदे ने, तो ये साउंड कार्ड अलग से लगा दिया। ये बहुत अच्छी आवाज़ देता है, और कनेक्ट कर लेते हैं लोग इसको ऑडियो वीडियो में भी कई बार, ऑक्स वाली लीड पे अच्छा चलता है, और ये इसमें ज़्यादा खर्चा आ जाता है, और ये 80 रुपये का आता है ये, तो 80 रुपये में ही लोगों का काम हो जाता है। तो अब इसके मेन फॉल्ट पर आते हैं, इसके मेन फॉल्ट हैं बार बार इसकी स्क्रीन चले जाना, बंद हो जाना, सेट ही बंद हो जाता है। तो मैंने हल्का सा, जैसे ही ये बंद हुआ तो मैंने हल्का सा यहाँ से पकड़ के देखा, तो ये चल पड़ा फिर। तो किया क्या है मैंने, यहाँ से इसको खोल के, ये 4 नट खोल के, इसकी जो ये टाके थे नीचे सप्लाई के, ये टाके दोबारा लगाए हैं, और ये इन्वर्टर कार्ड की साइड के भी जो टाके थे ये भी दोबारा लगाए हैं, क्योंकि ये टाके अपनी जगह छोड़ चुके थे, हिल रहे थे। तो इतनी सी काम की वजह से ही ये बार बार बंद हो रहा था। कई बार इसी फॉल्ट के लिए आप ले जाओगे इतने से काम के लिए, तो आपसे हजारों का चार्ज ले लेते हैं, लेकिन आपको बताया नहीं जाता कि मेन फॉल्ट क्या है, बस ये कहते हैं सप्लाई ख़राब है या फिर कार्ड ख़राब है आपका। तो इतना फॉल्ट था, कभी भी कोई मैकेनिक भाई के पास भी आए तो आप ऐसी प्रॉब्लम आए, तो सबसे पहले आप ये इसके कनेक्टर चेक कर लें, कनेक्टर के नीचे के टाके भी चेक कर लें, ढीले हो जाते हैं कई बार, काफ़ी दिन चल गए, दोनों साइड से देख लें और ये भी देख लें, तो बस आपका टीवी ओके हो जाएगा। अब इसमें लाइट में लगा के देखते हैं अभी हम, और ये मैंने इसको लाइट में कनेक्ट कर दिया है, तो ये देखिए अब ये अच्छे से चलेगा और चलता ही रहेगा, अभी ये बार बार बंद नहीं होगा। प्रॉब्लम थी सिर्फ ल्यूज पॉइंट की। तो एलसीडी हो गया है हमारा ओके, और कई बार एलईडी में भी यही प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले अपने कनेक्टर चेक कर लें, और उसके बाद हम बताएं क्या ख़राब है क्या नहीं है, ऐसे ही आईसी या सप्लाई वगैरह ख़राब ना बताएं, और ना ही समझे कि सप्लाई ख़राब हो गई है, ठीक है। तो कनेक्टर वगैरह चेक कर लें अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो डालूंगा भाई सेट टॉप बॉक्स की, उसमें क्या है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर भी कर देना दोस्तों में। ज़रूरी नहीं हर बार एलईडी का सप्लाई ख़राब हो या स्क्रीन ख़राब हो, लूज पॉइंट भी होते हैं, उनको भी चेक किया जाए भाई। नेक्स्ट वीडियो होने वाली है शानदार, क्योंकि सेट टॉप बॉक्स डीडी फ्री डिश वाला मैं चला के दिखाऊंगा, और बिना डिश के, और सारे चैनल आ रहे होंगे। अभी मार्केट में एक नया बॉक्स आया है, और उसमें आपको डिश लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस घर पे टीवी के ऊपर बॉक्स रखो और चैनल आ जाएंगे। थोड़ा सा एंटीना, हल्का सा एंटीना आपको लगाना पड़ेगा और चैनल आ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो उसी की होने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत।